Assalamu alaikum students. We are reading our lesson number 11, I have a dream. This is the speech of Martin Luther King, जो कि अपने उसने निग्रोस को स्याह फाम लोगों के लिए वो स्पीच कर रहा था उनके फ्रंट और उनको बताने के लिए टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम. और उसके हमने तकरीबन 4 पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं. नाउ वी गो फर्दर. आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ द स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. I have a dream, मेरा ख्वाब है, that my 4 little children, के मेरे 4 छोटे बच्चे, will one day live in a nation, वो एक दिन एक ऐसी कौम में रहेंगे, where they will not be judged, जहां उनको नहीं परखा जाएगा, जज करना परखना, but the color of their skin, उनकी रंगत की बिना पे, but by the content of their character. कंटेंट मीन हूबी जौहर और सिनोनिम इसका होगा फीचर करैक्टर करदार बल्कि उनको उसके करदार की खूबी पे जांचा जाएगा. मेरा ख्वाब है आई हैव अ ड्रीम मेरा ख्वाब है मैं बामहावरा करने लगी हूँ कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसी कौम में रहेंगे जहाँ उन्हें उनकी जिल्द की रंगत से नहीं बल्कि उनके किरदार की खूबी से परखा जाएगा. आई हैव अ ड्रीम टुडे आज मेरा एक ख्वाब है. दिस इज़ जस्ट मोटिवेशनल स्पीच है ये जो कि जितने भी 200,000 निग्रोस वहाँ जमा हुए हुए थे उनको ये जो उनको मोटिवेट करने के लिए मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. I have a dream that one day, मेरा ख्वाब है कि एक दिन the state of Alabama, अलबामा की रियासत whose governor's lips are presently dripping का मतलब है शिकायत करना और उसमें presently mean हाल में यानी इस वक्त dripping with the words of interposition का मतलब है मदाखलत इसका सिनोनिम होगा इंटरप्शन और इंटरफेरेंस एंड नलिफिकेशन मीन कैंसलेशन किसी चीज़ को कैंसिल करना एबॉलिशन किसी चीज़ को पोस्टपोन करना. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन अलबामा की रियासत हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन जिसके गवर्नर के होंठों से अब मदाखलत जी टपक रही हैं प्रेजेंटली ड्रिपिंग टपक रही हैं द वर्ड्स अल्फाज कौन से इंटरपोजिशन मदाखलत के और मनसूखी के. मेरा ख्वाब है बामहावरा बताती हूँ कि अलबामा की रियासत जिसके गवर्नर के होंठों से अब मदाखलत और मनसूखी जैसे अल्फाज टपक रहे हैं विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन वो एक ऐसी सूरत हाल में बदल जाएगी वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स जहाँ छोटे काले लड़के और काली लड़कियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स वो हाथ मिला सकेंगे विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स छोटी सफेद बच्चियों से यानी अंग्रेज बच्चियों से और अंग्रेज लड़कों से और लड़कियों से एंड वॉक टुगेदर और वो चलेंगे एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बहन भाइयों की तरह.
एक ऐसी सूरत हाल में बदल जाएगी जहाँ छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ इस काबिल हो सकेंगे कि छोटे सफ़ेद लड़के और लड़कियों के हाथों में हाथ डालकर बहनों और भाइयों की तरह वो चल सकें। इसमें जो लाइन है, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए एमसीक्यूज के हवाले से। और इसमें जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, यह विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। और पिछले पैराग्राफ में जो लाइन है, ये मिस पी डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, इसको भी हाईलाइट कर लें। ये इम्पोर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज के हवाले से। अब इस पेज की लास्ट जो है पैराग्राफ वो पढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल विल बी मेड लो, द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स एंड क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर। I have a dream that one day every valley shall be exalted. मेरा ख्वाब है एक दिन हर वादी जो है वह सरबुलंद होगी। Exalted का मतलब lifted, uplifted, elevated, honored, ये इसके synonym है। मेरा ख्वाब है कि एक दिन हर वादी बुलंद होगी। And every hill and mountain shall be made low, और हर पहाड़ी और पहाड़ को सरनगू कर दिया जाएगा, यानी वो नीचे होगी। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, ना हमवार जगहों को हमवार बना दिया जाएगा, हमवार कर दिया जाएगा। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, क्रूक्ड का मतलब है ट्विस्टेड, कर्व्ड, जो खमदार जिसमें बल पड़े हुए होते हैं, इस लाइन को भी आप हाईलाइट कीजिए। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और ना हम खमदार जगहों को सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और अल्लाह ताला की अजमत जो है वो जाहिर होगी और सब नमूदार होगी, जाहिर होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, फ्लैश का मतलब है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी, इंसानियत, तमाम इंसान इसे इकट्ठे देखेंगे या तमाम इंसान इसका इकट्ठे नज़ारा करेंगे। अब मैं बामहावरा करती हूँ। मेरा ख्वाब है कि एक दिन हर वादी बुलंद होगी, हर पहाड़ी और पहाड़ को सरनगूं कर दिया जाएगा, ना हमवार जगहों को हमवार कर दिया जाएगा, और हमदार जगहों को सीधा कर दिया जाएगा, और खुदा की शान व शौकत, खुदा की अजमत जाहिर होगी, और पूरी इंसानियत या सब इंसान इसका इकट्ठे नज़ारा करेंगे। नेक्स्ट पेज, दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। ये पैराग्राफ जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लें आप। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके वो यकीन है जिसके साथ मैं जनूब की जानब वापस आया हूँ। ये हमारी उम्मीद है, यानी वो जो ख्वाब, वो ख्वाब उन्होंने देखा है लिबर्टी का, अपनी आज़ादी का, अपने ह्यूमन राइट्स इक्वल हासिल करने का। वो कह रहे थे ये दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है, और वो यकीन है जिसके साथ मैं जनूब की तरफ वापस आया हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, विद दिस फेथ, और इसी यकीन के साथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट, ह्यू आउट का मतलब ट्रिम करना, कट ऑफ करना। तो इसी यकीन के साथ हम मायूसी के पहाड़ के से उम्मीद का पत्थर तराश सकेंगे। विद दिस हेल्थ विल बी एबल टू ह्यू आउट, हम काटने के काबिल हो सकेंगे, ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर,
मायूसी के पहाड़ से अ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का पत्थर। वो यकीन है जिसकी मदद से हम मायूसी के पहाड़ से उम्मीद का पत्थर तराश सकेंगे। विद दिस फेथ विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, इसी यकीन के साथ हम बदलने के काबिल होंगे। द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड आवर नेशन इंटू अ ब्यूटिफुल सिम्फनी। जैंगलिंग का मतलब बेरब्त, क्लैटरिंग इसका सिनोनिम होगा, डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट, इख्तलाफात। तो इसी यकीन के साथ हम कौम के बेरब्त इख्तलाफात, जैंगलिंग बेरब्त डिस्कॉर्ड्स इख्तलाफात ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम के बेरब्त इख्तलाफात को बदलने में कामयाब होंगे, काबिल होंगे। इंटू अ ब्यूटिफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की ब्रदरहुड, अख़ुव्वत कह लें, भाईचारे की जो धुन में बदलने के काबिल हो सकेंगे। इसी यकीन के साथ हम कौम के बेरब्त इख्तलाफात को अख़ुव्वत की एक खूबसूरत धुन में, भाईचारे की एक खूबसूरत धुन में बदल देंगे। सिम्फनी का मतलब है धुन, साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड, हार्मोनाइज करना। विद दिस फेथ, इसी यकीन के साथ विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम इकट्ठे काम कर सकेंगे या काम करने के काबिल होंगे। टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर एंड टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट We will be free one day। तो इसमें वो अपनी यूनिटी की मिसाल देता है कि हम इकट्ठे दुआ करने में, इकट्ठे जदोजहद करेंगे, इकट्ठे जेल जाएंगे, आज़ादी के लिए मिलकर इकट्ठे खड़े होंगे। ये जानते हुए, knowing that we will be free one day, कि एक दिन हम आज़ाद होंगे। This will be the day, और ये वो दिन होगा when all of God's children will be able to sing with the new meaning। ये वो दिन होगा जब अल्लाह ताला की तमाम मखलूक मिलकर इस गीत को नए मीनिंग के साथ, नए मतलब के साथ, नए मफहूम के साथ गाने के काबिल होगी। और कौन सा गाना है? My country tis of thee, tis mean it is, THEE, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू, यानी तुम। माई कंट्री टिस ऑफ दी, मेरे मुल्क, मेरे वतन के तुम्हारे लिए, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की खूबसूरत सरजमीन। ऑफ दी आई सिंग, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वो सरजमीन जहाँ मेरे अबाउजदाद, मेरे वालिद के वालद जो हैं, अबाउजदाद हैं, वो दफन हैं। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, वो सरजमीन जो ज़ायरीन के लिए फ़ख्र का बाइस है। पिलग्रिम्स फ़ख्र का, ज़ायरीन, प्राइड फ़ख्र का बाइस होना। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ी के अतराफ से, लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी का नगमा गूंजने दो। तो दिस वॉज टुडेज लेक्चर, और पिछले पेपर्स में हम पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं कर रहे थे, तो अब आज के लेक्चर में आपने 151 से लेके 155 तक पेयर ऑफ वर्ड्स भी करने हैं, मेड से लेके मैसेज तक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।